प्रातः क्लास चल रहा था 29-69 का, दूसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी सतयुग में तो रावण राज्य होता ही नहीं है, तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप बहुत मीठा है और ये भी समझाते हैं कि ये सुख दुख का खेल है, आधा कल्प तुम विषय सागर में गिरते चले आए हो और जितना जितना विषय सागर में डूबते जाते हो उतना उतना दुख वृद्धि को पाता जाता है। सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन जाते हो, महसूस भी करते हो कि बाबा बिल्कुल राइट समझाते हैं। क्या बात राइट समझाते हैं? कि विषय सागर में जितने जितने डूबते जाते हैं उतना उतना दुख बढ़ता जाता है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, न जानने के कारण इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। इतना अंधेर करते हैं कि ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। सर्वव्यापी कहने से फायदा भी कुछ नहीं होता है, बुद्धि और ही भटकेगी या एकाग्र होगी? बुद्धि और ही भटकती जाती है, कहाँ ईश्वर बाप और कहाँ ये तमो प्रधान मनुष्य जिनमें बाप को सर्वव्यापी बताई देते हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। अभी बाप समझाते हैं कि मुझे याद करने से तुम पावन बनेंगे, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। बुद्धि का संग मेरे साथ रखो, इन तामसी मनुष्यों के साथ बुद्धि का योग रखने से तुम कितने पतित बन पड़े। ये युद्ध का मैदान है, इस युद्ध के मैदान में माया तुमको हराती है। तुम याद करते हो एक बाप को और माया तुमको बुलाई देती है। बाप कहते हैं तो बहुत सहज, क्योंकि बाप को अगर एक बार पक्का पक्का जान लिया तो फिर भूल सकते हैं क्या? क्योंकि बाप तो बहुत ही सहज बात बतलाते हैं, कहते अपन को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करो। भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा की याद करते हैं, परंतु वहां जानते नहीं हैं। बनारस में शिव के कितने मंदिर हैं, वहां रुद्रयज्ञ भी रचते हैं और बहुत शालिग्राम बनाते हैं, फिर सेठ चाहे तो 1,00,000 की पूजा करावे और चाहे 2,00,000 की करावे। इतने शालिग्राम बनाते जाते हैं, तो देखो
रुद्र यज्ञ से भी साबित होता है क्या कि आत्मा रूपी शालिग्राम अनेक हैं और शिव एक है, एक ही शिवलिंग बनाते हैं ना, और फर्स्ट क्लास मिट्टी मंगाते हैं। यादगार कहाँ की हुई, कैसे यहाँ फर्स्ट क्लास मिट्टी कैसे हाँ मिट्टी तो देवान की ही है, लेकिन एक थर्ड क्लास फोर्थ क्लास और एक होती है फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास मिट्टी कौन सी और थर्ड फोर्थ क्लास मिट्टी कौन सी? मिट्टी मंगाते हैं, अभी भी बाप कहते हैं, क्या करो विजयमाला का आवाहन करो, ये फर्स्ट क्लास मिट्टी है। माना मिट्टी भी फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास होती है। एक मिट्टी होती है कीचड़ हो जाती है, बदबू आती है, एक मिट्टी होती है उसमें खुशबू आती है। तो ये व्यभिचार और आप व्यभिचार की बात है, व्यभिचार से बदबूएं आती हैं और अब व्यभिचार से खुशबू आती है। और शालिग्राम रोज बनाते हैं, सुबह को बनाते हैं और शाम को तोड़ देते हैं, क्या मतलब हुआ? इसको संगम युग में कैसे टैली किया जाता है? प्रैक्टिकल में टैली होता है, हाँ? सन 36 में था सतयुग की शूटिंग के हिसाब से सवेरा, और सन 76 में हुआ अंत, अंधेरा हो गया। आदि में निश्चय बुद्धि बने थे जो, वो 76 में हो गए अनिश्चय बुद्धि, अंधेरा आ गया तो टूट गए निश्चय बुद्धि, तो जन्म लिया जैसे शालिग्राम बना, और अनिश्चय बुद्धि तो टूट गए। तो पूजा आदि करके हवन आदि करके फिर आखिरी तोड़ देते हैं, फिर पंडितों को दक्षिणा मिल जाती है। प्राप्ति किसको हुई? भक्ति मार्ग में ऐसे ही होता है, जितना शालिग्राम बनावेंगे उसी हिसाब से उनको दक्षिणा मिलेगी। जांच होती है, बनारस से खास पंडित लोग आते हैं, लाख बनाने होंगे तो बहुत ब्राह्मण मंगावेंगे, थोड़े बनाने होंगे तो ब्राह्मण भी थोड़े, फिर उनकी दक्षिणा भी थोड़ी हो जाएगी। तो देखो ये गुड़ियों का खेल है, बनाना पूजा करना और फिर तोड़ देना। अभी तुम समझते हो
कि देखो भक्ति मार्ग में हम क्या क्या करते रहते थे। भक्ति मार्ग में बंदर की भी पूजा होती है, यहां बहुत हनुमान के भगत होंगे, समझते हैं हनुमान महावीर होता है। वास्तव में महावीर हो महावीरिया तो तुम हो, माया पर जीत पाते हो ना, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तूफान तो भल तुम्हारे सामने बहुत आते हैं, परंतु महावीर कब ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हम इन तूफानों से हार गए, हम बाबा को भूल गए। हाँ, ये कहेंगे याद करने का टाइम नहीं मिलता है, तो बाबा कहते हैं भल तुम कहां भी जाओ, घूमो फिरो, क्या घूमने फिरने में तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो? प्रैक्टिस की बात है, बाबा को याद नहीं करते होगे तो कोई किसको याद करते होंगे, कोई किसको याद करते होंगे। बुद्धि का काम क्या है, मन का काम क्या है, फालतू बैठता है मन, वो तो घूमता रहता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो याद करता ही है। और मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, है कोई छोटी पोटी टटपुजिया नौकरी नहीं देता हूं, क्या बनाता हूं, विश्व का मालिक बनाता हूं, फिर भी तुम मुझे याद नहीं कर सकते हो। कहते हैं बाबा क्या करें, माया घड़ी घड़ी बुलाए देती है, तो ये तुम्हारी माया के साथ लड़ाई है। कितना मीठे थे मीठा बाबा है, फिर भी तुम बाबा को भूल जाते हो, और कितना ऊंच पद तुमको देते हैं, कितना ऊंच पद देते हैं, मनुष्य से देवता बनाए देते हैं। उन्होंने फिर ज्ञान कटारी ज्ञान तलवार नाम से देवियों को हथियार दे दिए हैं। काली देखो कैसी बनाई है, कितनी काली और कितनी भयंकर शिकल बनाई है। अब देवियां कोई ऐसी हिंसक थोड़े ही होती हैं, नाम रख दिया है काली माता। अब वो काली माता कोई अफ्रीका की थोड़े ही होगी है? अरे अफ्रीका में क्या गोरे होते हैं क्या है, वहां तो बहुत काले होते हैं। अरे वो तो अफ्रीकन से भी ज्यादा काली है, कौन काली, मां मां कह के कैसे काली पर बलि चढ़ते हैं। क्या क्या बातें बैत बनाई है, कितनी बातें बनाते हैं, कहेंगे यह करो तो ऐसा होगा। अब भारत की गवर्नमेंट भी तमोप्रधान हो गई है, बल वो भी तमोप्रधान है, कौन है गवर्नमेंट, परंतु इतना नहीं जितना ये भारतवासी तमोप्रधान हुए हैं। उन्होंने इतना दुख नहीं सुख नहीं देखा है, तो इतना दुख भी नहीं देखते हैं, इतने तमोप्रधान भी नहीं बनते हैं।
वहां से भी सभी सीख करके आते हैं। दुनिया में देखो इतनी साइंस की इतनी इन्वेंशन निकली है। आगे ये बत्तियां आदि थोड़ी ही थी, 100 साल पहले भारत में क्या जलाते थे? समा जलाते थे, दीपक जलाते थे। उस समय गैस बिजली आज तो कुछ भी नहीं थी। वायसराय भी आते थे तो घोड़े गाड़ी पर आते थे, अभी तो फर्स्ट क्लास कारें निकल पड़ी हैं। साधारण लोग भी कारों पर बैठ जाते हैं। पहले तो ये मोटरें आदि कुछ भी नहीं थी। बाबा की लाइफ टाइम में ये सब कुछ हो गया है और इतनी महंगाई भी बाबा की लाइफ टाइम में हुई है। तो बाबा तो सस्ताई का भी अनुभव है और महंगाई का भी अनुभव ही है। 12 आने मन ज्वार बाजरा बेचते थे। अभी तो देखो क्या हाल हो गया है, कितना फर्क आ गया है। ये बाबा का पुराना अनुभवी रथ है। लोएस्ट से लेकर के हाईएस्ट लोगों तक भी कनेक्शन में आए हैं। बाबा ने अपने पास्ट जीवन की हिस्ट्री सुनाई तो बाप ने भी आकर के इस रथ को स्वीकार किया है। बताओ शिव बाबा कहाँ है? तुम कहेंगे इनके बाजू में, यहां भ्रकुटी में बैठे हैं। तो ये वंडरफुल बात है ना। तो मुरली कट गई, अगली वाणी है 3968 की प्रातः क्लास। बाप सावधान कर रहे हैं, अपन को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। स्वीट होम और सुखधाम को याद करते रहो, ये भूलो नहीं। बुद्धि और कहीं भी नहीं जानी चाहिए। और तरफ बुद्धि जाती है ना, इसलिए बाप सावधानी देते हैं कि अपन को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। शांति धाम सुख धाम को याद करो। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। अभी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की स्मृति आ गई, समझ में आया है कि बरोबर रूहानी बाप भी आया है। हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं, यादगार मनाते हैं ना। जो भी पास्ट हो गया है भक्ति मार्ग में, उन्हों के चित्र बनाते हैं, पूजते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा का भी चित्र था? शिव बाबा का चित्र था कौन सा? वाला बना दिया, 32 करोड़ वाला चित्र था। ये चित्र है? वो तो चित्र नहीं है, वो तो बिंदी है। बिंदी का कोई चित्र होता है क्या? जरूर शिव बाबा होकर के गए हैं, जिस कारण फिर भक्ति मार्ग में उनकी पूजा होती है।
पूजा बड़े रूप की होती है या छोटे रूप की होती है? बड़े रूप की पूजा होती है। बिंदी को तो याद किया जा सकता है, वो भी सब कोई तो नहीं याद कर सकेंगे। अपनी आत्मा को ही कोई नहीं याद कर पाते, कहते हैं आत्मा बिंदी है, हम कैसे याद करें? अच्छा, अंबा का तो चित्र था, होकर के गई है, फिर पूजी जाती है, जरूर ये देवताएं पास्ट में होकर के गए हैं। अंबा को भी पूजते थे, अभी भी पूजते हैं, शिव को भी पूजते थे, उनको निराकार कहते थे, किनको? अंबा को साकार और शिव को निराकार कहते थे। तो ये बाप स्मृति दिलाते हैं, क्या क्या स्मृति दिलाते हैं कि बाप होता है बीज निराकार और माँ होती है साकार। जगदम्बा भी थी ना, यानी जगत की माँ थी और फिर लक्ष्मी भी थी, बल उनको भी माता ही कहते हैं, परंतु वो लक्ष्मी तो विश्व की महारानी थी। जगदम्बा जगत की माता तो है, परंतु विश्व की महारानी नहीं। विश्व की महारानी को बहुत जेवर आदि पड़े हुए थे, थी तो वो सतयुग की महारानी। अच्छा, तो बताओ जगदम्बा कब थी? कब थी? जगत कब होता है? जब 500-700 करोड़ की दुनिया होती है तो जगत होता है, उसे विश्व कहा जाता है। तो वो थी जगत की अंबा और वो थी सतयुग की महारानी, परंतु ये बातों का कोई को पता नहीं है। हाँ, इतना जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, सतयुग में उनका राज्य था, उस समय उनकी राजधानी थी। ये बच्चों की भी स्मृति में है, परंतु अभी तो वो लक्ष्मी नहीं है। वो लक्ष्मी पवित्र थी, पूजी थी, इस समय तक भी उनकी पूजा होती आ रही है, परंतु जगदम्बा कब थी ये किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में ये तो दिखाते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब जगदम्बा का चित्र बनाते हैं तो अम्बा भी जरूर थी और बाबा भी था। उस बाबा को प्रजापिता कहते हैं, शास्त्रों में प्रजापिता कहते हैं कि प्रजापति कहते हैं? क्यों, ये अंतर क्यों पड़ गया? पहले पिता होता है कि पहले पति होता है? जन्मदाता पहले पिता चाहिए, बाद में जब सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है तो कहा जाता है सारे विश्व का रक्षक। रक्षक माने पति। अजमेर में भी प्रजापिता ब्रह्मा का मंदिर है, अंबा का भी मंदिर है। वो कब आई थी ये नहीं जानते, पहले तुम भी नहीं जानते थे। पूछो अपने दिल से, तुम जानते थे?
तो बच्चे तो जानते कि अम्बा भी थी और बाबा भी था और दोनों साधारण तन में थे, दोनों के मंदिर और जेवर आदि भी कुछ नहीं दिखाते हैं। जगदम्बा के जेवर नहीं दिखाते हैं, जगदम्बा के तो दिखाते हैं, लेकिन उसका जो तामसी रूप है महाकाली का उसको जेवर नहीं दिखाते हैं। तो देखो माँ तो एक ही होगी जगत की और वो बेहद की माँ है, बेहद की माँ एक ही है, बहुत तो नहीं होगी और उनका फीचर भी एक ही होगा। भक्ति मार्ग में अम्बा के ढेर चित्र बनाए दिए हैं और कितनी भुजाएं दे दी हैं। अब एक व्यक्ति को इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती, तो फिर रहस्य क्या है? अरे यही रहस्य है कि भुजा माने सहयोगी, भुजा माने मददगार। जगदम्बा अकेली नहीं महाकाली बनती है, कितनी बनती है? ढेर की ढेर उसकी सहयोगिनी बन जाती हैं। जैसे ब्रह्मा के लिए कहते हैं चार भुजाएं, दस भुजाएं, सौ भुजाएं, हजार भुजाएं ब्रह्मा की, ये सभी इतने बच्चे हैं जो मददगार बनते हैं, तो मददगार के रूप में उनको भुजाएं दे दी हैं, अनगिनत भुजाएं। वास्तव में भुजाएं तो दो ही होती है, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट हैंड। तो वो सभी है भक्ति मार्ग का ज्ञान, अभी तुमको स्मृति में आ गया है, और किसी की स्मृति में ये बातें नहीं आ सकती। और माने कौन? और धर्म वाले जो बच्चे हैं और धर्म पिताओं के फॉलोअर्स हैं, उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं आएंगी। शिव बाबा का मंदिर भी है, जगदम्बा का भी मंदिर है, प्रजापिता ब्रह्मा के भी मंदिर हैं, परंतु किसी को पूरा मालूम नहीं है कि वो कब होकर के गए हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारी सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तो मुख्य चित्र ये होने चाहिए। जास्ती चित्र तो है नहीं, फिर देखो मंदिर कितने ढेर के ढेर बनाए हैं और कितने ढेर के ढेर नाम रखते गए हैं। क्यों बनाए हैं इतने चित्र और क्यों बनाए हैं इतने नाम? जैसे जैसे काम किए वैसे वैसे नाम रखते गए। शिव तो एक ही है, फिर उनके नाम कितने रख दिए हैं? उनका शेप भी एक ही है। किन का? शिव का लिंग ही तो बनाते हैं, फिर नाम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि सो लिंग रूप निराकारी स्टेज धारण करने वाले में अनेक प्रकार के जैसे जैसे काम किए वैसे वैसे उनका नाम रखते गए। है तो वास्तव में बिंदी, उस बिंदी में तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्युग के आदि में भी बिंदी, मध्य में भी बिंदी, अंत में भी बिंदी, परंतु इतना बड़ा लिंग बनाई दिया है वो क्यों? क्योंकि जो नाम पढ़ते हैं काम के आधार पर पढ़ते हैं, और काम बिंदी करेगी क्या? काम बड़ा रूप करेगा या बिंदी करेगी? बड़ा रूप काम करता है।
तो देखो आत्मा में हर प्रकार के संस्कार भरे हुए हैं, तो संस्कारों के हिसाब से नाम में बहुत फर्क हो जाता है। सन्यासी भी अपन को महात्मा कहलाते हैं, अब कृष्ण को महात्मा कहें या सन्यासियों को महात्मा कहें? सन्यासियों को कहें, क्यों? छोटा बच्चा तो महात्मा होता है, उसमें कोई विकार नहीं होते। सन्यासियों में विकार नहीं होते हैं? होते हैं, विकार से तो जन्म लेते हैं। तो देखो कृष्ण बच्चे में और उन महात्माओं में फर्क तो होता है। तुम तो समझते हो कि सन्यासी तो घर बार छोड़ देते हैं, और कृष्ण को तो घर बार नहीं छोड़ना पड़ता है, फिर भी वो एवर पवित्र है। है तो विकारों का सन्यास किया हुआ ही ना। हाँ, वो सन्यासी अपवित्रता से जन्म लेते हैं, फिर घर बार छोड़ करके पवित्र बनने की कोशिश करते हैं, तो उनको कहा जाता है संन्यासी। संग माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागने वाला। तुमको बेहद का सन्यासी कहेंगे। तुम तो सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास कर देते हो, ये दुनिया तुमको अच्छी ही नहीं लगती। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए, तो ऐसा स्कूल कब नहीं सुना होगा जहां दूसरे जन्म के लिए पढ़ते हो, अर्थात फल दूसरे जन्म में मिलता है। तो तुम नई दुनिया के लिए पढ़ते हो, वो पढ़ाई पढ़ते हैं बैरिस्टर, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनने के लिए। वो एक जन्म की पढ़ाई और एक जन्म की प्राप्ति, वो भी हो ये हो या न हो। अभी तुम्हारी तो पढ़ाई जन्म जन्मांतर की है, परंतु समय अभी बहुत थोड़ा है। समझा जाता है कि अगर ये व्यर्थ समय गंवा दिया संगम युग का, तो सारी पढ़ाई व्यर्थ हो जाएगी। बताओ अभी कितने वर्ष पढ़ेंगे? 6-7 वर्ष पढ़ेंगे। वो पढ़ाई जो दुनिया में पढ़ाई जाती है, उसके लिए तो माता पिता पैसे देते ही हैं, उसके लिए माता पिता पैसे देते हैं। तो आधीन होकर पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। इस पढ़ाई में तो कोई पैसे भी नहीं लगते, तो ये रूहानी पढ़ाई क्यों ना पढ़े, जिससे हमको एक जन्म तो क्या 21 जन्मों का वर्षा मिल जाएगा। ये समझ की बात है। आत्मा का कनेक्शन इसे एक जन्म से है या अनेक जन्मों से है? आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है, और देह का कनेक्शन एक जन्म से है। तो वो देह अर्थात जिस्मानी पढ़ाई है, और ये है रूहानी पढ़ाई। तो बाप आकर के ये समझ देते हैं, रूहानी और जिस्मानी। तो क्यों नहीं ये पढ़ाई पढ़े जो भविष्य में विश्व के मालिक बन जावे? क्योंकि अभी ये पुरानी दुनिया क्या होने वाली है? ये पुरानी दुनिया भस्म होने वाली है। तुम्हारे सिवाय ये बात कोई भी नहीं जानते हैं क्या? ये पुरानी दुनिया भस्म होने वाली है। नई दुनिया की स्थापना के लिए ये पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। नई दुनिया में तो देवी देवताओं का राज्य था,
वो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है ये मनुष्य नहीं जानते हैं। कैसे स्थापन होती है देवी देवताओं की राजधानी, कैसे स्थापन होती है? हम लोग अभी वही पढ़ रहे हैं स्थापना करने के लिए, आपको मदद कर रहा हूँ। योग बल से भोग बल से पुरानी दुनिया, और योग बल से नई दुनिया स्थापन होती है। तो बाप बैठे तुमको योग बल की बात समझाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण, ये जगदम्बा, ये राम सीता आदि, इन सब का राज तुमको बैठ समझाते हैं। हिंसा की कोई बात नहीं है कि राम ने बाण मार करके कोई रावण की हिंसा की हो। बाण का मतलब क्या है? कहते ना ये तो बाण मारता है, अर्थात कोई सीधे साधे नहीं मानता है तो उसको चीधी बात कही जाती है, ताकि उसका दिल घायल होता रहे। बार बार दिल घायल होगा तो फिर वो वैसा काम नहीं करेगा। तो हिंसा की कोई बात नहीं है, ये तो तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। राम ने बाण मारे तो क्या हिंसा की है कि मायावियों के साथ युद्ध किया? क्या किया? मायावियों के साथ युद्ध करने में बाण भी मारने पड़ते हैं, सीधे सीधे नहीं मानते हैं। अरे बाबा ने तो सीधी सीधी बातें सुनाई है, और रोज ही वही बातें सुनाते रहते हैं। कितने साल हो गए हैं? 70-71 साल हो गए, और आसुरी दुनिया पलटने के लिए तैयार नहीं है। तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो क्या किया जाता है? टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो ये तुम्हारी मायावियों के साथ युद्ध है, इसमें कोई हार खा जाते हैं? हार खा जाते हैं तो कहेंगे चंद्रवंशी, जीत जाते हैं तो कहेंगे सूर्यवंशी, क्योंकि इस पढ़ाई से ही पद मिलता है। अभी तुमको स्मृति आई है कि जो फेल हो जावेंगे माया की लड़ाई में वो चंद्रवंशी बन जावेंगे। क्या? जो फेल हो जावेंगे वो चंद्रवंशी बन जावेंगे। चंद्रवंशी में सूर्यवंशी में क्या अंतर है? हैं? चंद्रवंशी अर्थात नाम ही है चंद्रमा, चंद्र बाप नहीं। क्या नाम है? चंद्रमा, अर्थात बाप आधीन होता है या माँ आधीन होती है? चंद्रवंशी बनेंगे तो आधीन होते रहेंगे। किसके किसके आधीन हो जाएंगे हैं? जगदम्बा मां कहा जाता है। कौन सा ऐसा शहर है जिसकी गोद में सब धर्मों ने राजाई किए? दिल्ली। वो जगदम्बा की यादगार है जड़ दिल्ली है, तो चैतन्य की बात, उसकी गोद में सारी दुनिया पलती है और माँ सब के अधीन हो जाती है। पति के ही अधीन रहती है या बच्चों के भी अधीन हो जाती है? बच्चों के भी अधीन हो जाती है। तो चंद्रवंशी में जाना है या सूर्यवंशी में जाना है? हैं? जाना तो है सूर्यवंशी में, कोशिश तो उसी को है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है,
कौरवों पांडवों की युद्ध नहीं चली है। किसके साथ युद्ध चली है? माया के साथ, माने मायावियों के साथ युद्ध चली है। माया कैसे आती है? अरे कोई स्त्री का रूप धारण करके आएगी, कोई पुरुष का रूप धारण करके आएगी, कुमार का रूप धारण करके आएगी, कुमारी का रूप धारण करके आएगी, कोई पदार्थ का रूप धारण करके आएगी। माया का एक रूप है क्या? अनेक रूप हैं। तो तुम्हारी माया के साथ युद्ध चलती है, अर्थात मायावियों के साथ युद्ध चलती है। बाप सबका पंडा है क्या? ऐसे नहीं कि सिर्फ पांडवों का ही पंडा है, बाप सबका पंडा है। महाभारत युद्ध में भगवान सिर्फ पांडवों को ही राय देते हैं या कौरवों यादवों को भी राय देते हैं? वो तो सबका है, जो अच्छे रास्ते पर चलना चाहे उनका है। तो कहते भी हैं वो बाबा, हमको आकर के मुक्ति दो, लिबरेट करो, हमारा आकर के गाइड बनो। तो पंडा ठहरा ना, वो तो जिस्मानी पंडे होते हैं। क्या? जिस्म को ले जाते हैं यात्रा कराने के लिए, चलो माउंट आबू। तुम तो रूहानी पंडे हो, तुम ज्ञान की बातें सुना करके आत्मा को खींच लेते हो, आत्मा को कशिश हो जाती है किसकी तरफ जाने की? बाप की ओर जाने की। जिसकी बुद्धि में बाप का ज्ञान बैठ जाता है, बाप की पहचान हो जाती है, वो फिर ठहर नहीं सकता। जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा, बाप की पहचान बैठ जाएगी, वो फिर एक सेकंड भी ठहरना नहीं चाहेगा, वो कहीं नहीं रुकेगा, कहेगा हमको ले चलो वहीं। तो तुम हो रूहानी पंडे, मन बुद्धि रूपी आत्मा को खींचने वाले हो, और वो है जिस्मानी पंडे। तुम रूहानी पंडे हो। तुम किससे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठे हो उनसे तुम कहा जाता है, और वो है जिस्मानी पंडे। वो माने जो जिस्म को खींच खींच के ले जाते हैं, बाप की पहचान नहीं देते, कहाँ ले जाते हैं? ठिकानों में ले जाते हैं, ठिकानों में ले जाते हैं, मिट्टी के घरौंदों में ले जाते हैं। तो तुम हो रूहानी, जानते हो अभी सभी को रूहानी घर जाना है, इसलिए बाप को याद करना है। याद की यात्रा कही जाती है ना, भक्ति मार्ग में याद करेंगे तो शिव को शिव कह करके याद करेंगे, या श्रीनाथ द्वारे में जावेंगे? हाँ, शिव को शिव 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 कहेंगे, कहेंगे शिव काशी। श्रीनाथ द्वारे में जावे या जहां भी जावे, उनको याद तो करेंगे ना, परंतु वो सब जिस्मानी यात्राएं हैं। और तुम जानते हो कि हमने ये जिस्मानी यात्राएं कितना समय की है, कितना समय भक्ति की है? लक्ष्मी नारायण हैं, उनको बाकी तो नहीं पहन सकते। भक्ति मार्ग में यात्राएं की, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में गए, लक्ष्मी नारायण को बाकी पहन सकते हैं? हैं? बाकी तो नहीं पहन सकते। इन्हें लक्ष्मी नारायण को बाकी पहनेंगे? अभी तो तुमको स्मृति आई है कि हम तो यह बनने वाले हैं,
हमने लक्ष्य, हमारे जीवन का लक्ष्य है नर से नारायण बनने, बाकी पहनेंगे वहां जब राधे कृष्ण आपस में मिलेंगे। शिव की पूजा करते हैं तो शिवलिंग की कब भाखी पहनते हैं क्या? भक्ति मार्ग में बाकी तो पहन नहीं सकते, तो कहां की बात है, हैं? बाकी की याद क्यों दिलाते हैं? संगम युग में चैतन्य में होता है, भक्ति मार्ग में तो जड़ पत्थर है, पत्थर को क्या भाखी पहनेगा। ज्ञान मार्ग में तो बाप चैतन्य शरीर में आते हैं, हाँ वो बाप आत्माओं का बाप है, बिंदी है, तो बिंदी को तो तुम भागी नहीं पहन सकते। फिर जब शरीर में आते हैं तो बाकी पहनते हैं, साधारण शरीर धारण करते हैं तब बाकी पहनते हैं। शिव तो बिंदी है, बिंदी को कैसे बाकी पहनेंगे? अच्छा समझो कि भाकी पहनते भी हैं परंतु वो तो रंग है, रंग क्यों है, हैं? क्यों रंग बता दिया, हैं? अरे मेल होता है, मिलन होता है, समान का समान के साथ होता है कि एक बड़ा पहाड़ जैसा और एक बहुत छोटा, तो उसका मेल होता है क्या? तो वो रंग है, बाकी पहन ही नहीं सकते बिंदी के साथ। आत्मा आत्मा को भी नहीं पहन सकती, न भाई भाई को पहनते, न भाई बाप को पहन सकते हैं। तुम जानते हो वो शिव बाबा और हम उनके बच्चे हैं। शिव कहा जाता है बिंदु को और बाबा कहा जाता है साकार को, तो वो भक्ति मार्ग की भाकी होती है, वो असल बात नहीं है, नकली बातें हैं। इन बातों को तुम अभी समझते हो, भक्ति मार्ग में तो कुछ भी मिलता नहीं है। तो तुम जानते हो कि सच सच तो शिव बाबा है, उनसे हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। तो अभी संगम युग में यादगार है, भक्ति मार्ग में मनाते हैं, शिव बाबा से खावे हैं, शिव बाबा हमको खिलावे हैं, है तो ये सारी भावना। वास्तव में तो शिव बिंदी है और वो बिंदी काम करती है शरीर के द्वारा। बाप को शरीर का लोन मिलता है तो क्यों नहीं बच्चों को खिलावें? बच्चे भी समझते हैं दादा के शरीर द्वारा शिव बाबा हमको खिलाते हैं, इस मुख द्वारा शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो ये अविनाशी ज्ञान रतन है, याद की आशा से तुम पवित्र बनते हो, ज्ञान से पवित्र नहीं बनते हो। ज्ञान तो जल है, क्या जल से शरीर पवित्र नहीं बनता है? शरीर जल से पवित्र बनता है परंतु आत्मा ज्ञान जल से पवित्र बनती है? नहीं, ज्ञान जल से हमें बाप का परिचय मिलता है, अपना और अपने बाप का, कि हम आत्मा हैं, हमारा बाप वो भी आत्मा है, सुप्रीम सोल है। तो उसकी याद करने से हम पवित्र बनते हैं। बाप ज्ञान का सागर है। तो देखो, याद की यात्रा से तुम्हारा पावन बनना होता है, इस बात को दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, तुम समझते हो? वो पूरी धारणा तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए। वास्तव में है एक ही पॉइंट, गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति,
बाप ज्ञान का सागर है, तुमको राजयोग सिखलाते हैं, वो बाप बहुत वैल्यूबल चीज है। परंतु ये बात भी बहुत धारण करने की है, तुम नोट भी करते हो, नोट करके फिर क्या सदैव अपने पास रखते हो? वो कागज ऐसे ही तोड़ फोड़ करके फेंक देते हो, क्योंकि धारणा अगर बुद्धि में हो जाए तो फिर कागज की इतनी वैल्यू नहीं रहती। यहां तुमको बाप सुनाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। ये बाप की सुनाई हुई बातें कमोबेश भक्ति मार्ग में फिर शास्त्रों में सुनाई जाती। शास्त्रों में भी मोस्टली वही ज्ञान की बातें हैं ना, परंतु उनसे क्या तुम पवित्र देवता बनते हो? है? उनसे पवित्र देवता नहीं बनते हो। बाप सुनाते हैं तो तुम पवित्र देवता बन जाते हो, महाराजा महारानी बन जाते हो। महाराजा महारानी ये लक्ष्मी नारायण होते हैं सतयुग में, फिर जो फेल हो जाते हैं वो त्रेता में चले जाते हैं, उनकी भी डायनेस्टी चलती है। तो अभी टाइम बहुत थोड़ा है, शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख दिया है। क्यों लिख दिया है? इसलिए लिख दिया है कि अगर लाखों वर्ष नहीं लिखेंगे, हजार वर्ष ही लिखेंगे, तो उसका हिसाब किताब कोई पूछ सकता है, और लाखों वर्ष कह देंगे तो कोई हिसाब किताब पूछेगा ही नहीं। तो बड़ी सहज युक्ति निकाली है। अब लाखों वर्ष की बात तो स्मृति में कोई को रह ही नहीं सकती, तुमको तो अभी स्मृति आ गई है कि अम्बा किसको क्या किसको कहा जाता है, ये बात तुमने समझ ली है। अम्बा हमको विश्व की बादशाही देती है, है? क्या अम्बा विश्व की बादशाही लेती है या देती है? क्या करती है? देती है। लेती नहीं है, है? लेती नहीं है। जो लेगी नहीं तो देगी कहां से? है? विकार विकार लेती है। अम्बा विश्व की बादशाही देती है, लेती है बाप से। क्या जगदम्बा को बादशाही किससे मिलती? प्रजापिता बाप से, और फिर जगदम्बा से तुम बच्चों को मिलती है। लक्ष्मी फिर विश्व की महारानी बनती है। तो देखो, लक्ष्मी से धन मांगेंगे, धन की मांग सिर्फ लक्ष्मी से करेंगे, और जगदम्बा से है सब मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए जगदम्बा के पास जाएंगे। तो कौन अच्छा? जगदम्बा अच्छा। आजा, सब मनोकामना तुम्हारी कंदी संधि मनोकामना सारी पूरी कर दे, तो फिर गंदी मनोकामनाएं कहाँ पूरी होती हैं? वो तो कलयुग की दुनिया में पूरी होंगी, तो नरक में गिरेंगे, नाक रगड़ेंगे नरक की दुनिया में। और जगदम्बा से जो मिलता है वो लक्ष्मी से नहीं मिलता है। लक्ष्मी क्या देती है? जो भगवान ने दिया सो ही लक्ष्मी देगी, अपना कुछ भी नहीं देगी। तो कौन अच्छी है? लक्ष्मी अच्छी है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी भगवान का दिया हुआ देती है, अपनी मन मत का और मनुष्यों की मत का कुछ भी नहीं देती। जगत में मन से देती है। ज्ञान कौन देता है? भगवान ज्ञान के अलावा कुछ और देता है? है? और कुछ नहीं देता। और जगदम्बा सब मनोकामना होगी, तुम्हारी गंदी मनोकामना होगी, शादी करें, बच्चा पैदा करें,
नाती पोत्रों की शादी हो जाए तो ये अच्छी अच्छी कामना है बुरी कामना है? तो भगवान से जो प्राप्ति होती है वो दुनिया से किसी से नहीं हो सकती। तो भगवान से की हुई प्राप्ति लक्ष्मी कराती है और बाकी जगदम्बा से प्राप्ति होती है सब मनोकामनाओं की। तो सब मनोकामनाओं की हमें प्राप्ति नहीं करनी है, हमें तो भगवान ने जो लक्ष्य दिया है, क्या लक्ष्य दिया है? नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, ये भी तो मनोकामनाएं हैं। ये हमें नहीं चाहिए, हमें राष्ट्रपति बनना है। अच्छी बात है, है? अगर राष्ट्रपति यहाँ बन करके हम बैठ जाएंगे तो फिर स्वर्ग की बात सही मिलेगी? जो आज की दुनिया के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, देश देश अंतर में, वो सतयुग में आवेंगे? वो सतयुग में नहीं आने वाले। तो सब मनोकामनाओं की प्राप्ति करना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है नर से नारायण बनना, ये बाप की दी हुई प्राप्ति है जो हमें लक्ष्मी से ही प्राप्त होती है। क्या नारायण देने वाला नहीं है डायरेक्ट? नारायण देने वाला है, नारायण में शिव प्रवेश तो करता है, ज्ञान भी देता है। नारायण से पहले क्या है? प्रजापिता। और प्रजापिता में प्रभु शिव प्रवेश करते हैं, सारा ज्ञान देते हैं, लेकिन मुख पुरुष मुख है या स्त्री मुख है? गौ मुख है या बैल मुख है? बैल मुख है। नारायण का बैल मुख है। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, तो दुर्योधन दुशासनों के मुख से सुना हुआ ज्ञान स्वर्ग नहीं ला सकता। इसलिए बाप ने कन्या और माताओं को क्या बनाया है? निमित्त बनाया है। कन्या माताओं के मुख से जब ज्ञान सुनेंगे तो इस सारे विश्व का कल्याण हो जाएगा। फिर कन्या माताओं में भी दो प्रकार की, एक महाकाली एक महागौरी। महाकाली की जीव बड़ी लंबी लंबी, वो ज्ञान तो बहुत सुनाएगी लेकिन प्रैक्टिकल धारणा वो धारणा नहीं देखने में आएगी, और महागौरी प्रैक्टिकल धारणा में होगी। इसलिए बोला कि लक्ष्मी का विजयमाला का आवाहन करो। तो भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से सिर्फ धन ही मांगेंगे। तो बताओ, बाबा ने प्रश्न पूछा, बताओ बड़ी कौन है, जगदम्बा बड़ी या लक्ष्मी बड़ी? अरे उससे धन ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जगदम्बा से सब मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। क्या चाहिए? हाँ, जो ईश्वर की देन है वो अगर मिल गई तो और कुछ भी चाहने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो पूछा कौन बड़ी ठहरी, अम्बा बड़ी ठहरी ये लक्ष्मी बड़ी ठहरी? मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, है? मनुष्यों को क्यों नहीं पता? मनुष्य जगदम्बा की पूजा नहीं करते हैं? करते तो हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि शास्त्रों में देवी की पूजा करने वाले, जो सिंगल देवी होती है, उस सिंगल देवी की पूजा करने वाले सब राक्षस संप्रदाय हैं। ये दुनिया वालों को पता नहीं है। हम बच्चे जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण युगल हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना भगवान ने आकर की है। भगवान कौन से मार्ग की स्थापना करते हैं? प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। और ये देहधारी धर्मगुरु ये निवृत्ति मार्ग बना देते हैं। तो देखो, मनुष्यों को पता नहीं है, तो अम्बा के आगे जाकर कितना रोते हैं, कितनी कितनी अभिलाषाएं लेकर जाते हैं, कितनी चीजें मांगते रहते हैं। समझते हैं ये हमारी सारी मनोकामनाएं दुनिया की पूरी करेगी,
अब लक्ष्मी से तो सिर्फ पैसा ही मांगते हैं, क्योंकि वो तो बहुत धनवान है। कौन? लक्ष्मी बहुत धनवान है। तुम जानते हो यही विश्व की मालिक थी। जो पूज्य थे सो अभी पुजारी बने हैं। तुम जानते हो हम भी पूज्य थे फिर पुजारी बने। इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों ने कितना भुलाई दिया। साधु संत आदि सभी शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आए। कहते हैं शास्त्र भगवान व्यास ने बनाए। कब बनाए? हैं? जो हिस्ट्री है वो तो ये कहती है कि जितने भी शास्त्र बने हैं वो सब 2,500 वर्ष के अंदर बने हैं। बाप भी यही बताते हैं कि ये द्वैतवादी दुनिया 2,500 वर्ष की है। जब से ये संबत बनना शुरू हुए, कब से? द्वापर युग से। पहले लोग दिन नहीं गिनते थे, सत्ययुग त्रेता में दिन दुख में गिने जाते हैं, सुख में गिने जाते हैं। दुख में दिन गिने जाते हैं, सत्ययुग त्रेता में सुख ही सुख था। वहां दिन गिनने की जरूरत ही नहीं। न हिंदू, न देवताएं, न क्रिश्चियन, न मुसलमान, न ख्रिस्त, कोई भी दिन नहीं गिनता था, कोई का संबत नहीं था। जब दुख की दुनिया शुरू हुई तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने एक एक दिन गिनना शुरू कर दिया। ये संबत हो गए, विक्रम संबत, शक संबत, ख्रिस्ती संबत, मुसलमानों का भी संबत है। तो बाप कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा है कि व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, अब तुम जान सकते हो कि कब बनाए? द्वापर युग से बनाए। उन भक्तों को तो कुछ भी पता नहीं है। ओम शांति।